मोर बहुचे ठीक के मोर कुआ गुटे थी लागो मोर समारुआ तो इचनु कुओ तर बहो ए कोह हिराकुद बुड़ी अंचल लछिपाली रो बेसहारा वृद्धा हेम बढ़ेकर छाती को पथर करी दिने भिटामाटी छाड़ी बासहरा होइथिले हेम सेतेबेले सरकार भरोसा देथिले क्षतिपूर्ण देबे थैथान करिबे हेले ठकी देले सरकार सरकार ठकेर लेखाजोखा प्रमाण होउची राजस्व विभाग ए चिठी 18 वर्ष तले हेमंक परी सबु विस्थापित परिवार को 10 डिसमिल जमी देवा को प्रतिश्रुति देथिले राज्य सरकार हेले से कथा भी रखिले नाही केवल हेम नुहंती झारसुगुड़ा जिलार 19 गाँव 10,000 लोक एवं निज उत्तर पीढ़ी भविष्य को नहीं चिंतित सबुठ बड़ समस्या होउची चाषी परिवार रो। राजस्व गाँव मान्यता मिल नथिबारु सरकारी मंडी में धान बिक्री करि पारुनांति विस्थापित चाषी प्रतिवर्ष धान बिकवा बेले दलाल शोषण शिकार होती एठाकर चाषी देख आखिर असुर बाहर आगे देखो हेल्ले पेट कानूची इटा खाली आम इपटे हेलु ना से पटे हेलु मजा नई रे भाचला भलिया कर सरकार बहादुर सबको जदि करते बोले हमें बहुत खुशी हेतु आमर दाबी इटा नुते भल आज आम चाहूँ सरजमीन तदंत जो अंचल अविभक्त संबलपुर जिले में जो जगह हीराकुद वासस्थ परिवार रही थैथान पर सठिक निर्भुल तथ्य रो जहाँ कि आर आई लेवल तहसिल लेवल जिला अफिस और आरडीसी स्तरीय कम से कम गोटे तथ्य सरकार परिप्रकाश करूँ 1955 में हीराकुद नदीबंध निर्माण पर भिटामाटी छाड़ी अविभक्त संबलपुर 360 गाँवर 26,501 परिवार से समय विरल चित्र घरद्वार भिटामाटी जीवन जीविका सबकि परकरी विस्थापित हेले बुड़ी अंचल 1,00,000 अधिक लोके हेले 65 वर्ष पर भी अनेक विस्थापित परिवार को ना मिली क्षतिपूरण ना संपूर्ण हो पारुची सेमान थैथान प्रक्रिया सरकार आसी आउ जाई हेले विस्थापित को मिली केवल पुला पुला प्रतिश्रुति 2012 विस्थापित समस्या समाधान हो राजस्व विभाग रिपोर्ट दे किंतु वास्तव कथा हला केवल झारसुगुड़ा जिलार प्राय 6,000 विस्थापित चाषी को जमी पटा मिलना सरकार ए प्रतारणा नहीं आईनजीवी राधाकांत त्रिपाठी जातीय मानवाधिकार कमिशन पाखे फेराद होती कमिशन एने सरकार को जवाब तलब कर फेब्रुआरी यार परवर्त शुणी होने चाष करूँ आम ये हाराहारी 500-600 एकड़ खंडे जमी चाष हो कि आम रेवेन्यू रेकर्ड नोक आम सरकार कौन सी प्रकार सुविधा सुजोग रु वंचित रोच सुविधा पाइबानी आम आम बाध्य आम दलाल हाथ में आम धान टेकी देवार लगे बाध्य हो आम कैसे दिन टाकू आज डस्टबिन पटा लगे बोलिए आम डस्टबिन पटा लगे आम योग्य नहीं पड़ा ठीक समय डस्टबिन पटा दिया नहीं आज्ञा आम पर तो विस्तारित ना गोटे मरी मरी लास्ट में शेष हो जाए तो सीटा भी आम दावी कर सरकार जी नीति गोटे निष्पत्ति क्षतिपूरण प्रदान करवाई सर्वे सेटलमेंट करवा लगे जेन अणसर्वे गाँव गुड़ाक अच्छे जेन आप दस डिसमिल पटा देवा लगे अविलम्बे जिला प्रशासन ताको युद्धकालीन भितर करदेव इटा आम फिर थे आपमें जिला प्रशासन के ओडिशा सरकार के दावी निज हक अनेक थर रास्ता को ओल्लाई हीराकुद बुड़ी अंचल विस्थापित आंदोलन होई कथा विधानसभा भी उठी हेले फल सुन जदि राज्य सरकार आंतरिकता अच्छी से लोक मैंने धान किपर बिक्री करेंगे एवं सर्वे सेटलमेंट करी स्वतंत्र उच्च स्तर पाहार ऑफिसर को निजुक्ति करंतु एवं ताकु सर्वे सेटलमेंट रे लोक मान को 10 डिसमिल जमी देवा संगे संगे रेवेन्यू विलेज घोषणा कले लोक मैंने उपकृत हो पारे टे करवा लगी हेले निश्चित भाव गोटे सेलटे गठन कर सरकार केवल मात्र ई हीराकुद एचएलओ बाबद जदि कार्य भार देवे बोले निश्चित भाव किसी दिन भितर लोकंर जेन एतक गांटे त्याग कर हीराकुद जल भंडार लगी से त्यागर किसी मात्रा पूरण होगा आ लोके भी शांति रही पार्बे आ सरकार भी निचर तार भावमूर्ति के बचे पार्बे दिन में आम तार संपूर्ण समाधान करने मुख्यमंत्री को अनुरोध करीछु एवं बहुत शीघ्र
ଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସେଠି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗରୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ସର୍ଭେ କରିକି ସେଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବୁ। ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇର ସେନାପତି ସାଜିଥିଲେ 6 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଅଧୁରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇର ମୁକସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଏହି ଘର। 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ସରକାର ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ବଦଳୁ ନାହିଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।